هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحمي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم ब्राहिम का हमदीद अल्ला शक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तसान बना कर ईमान के नमत अता फरमा के हजूर अक्रम सल्ला व्म का उम्मती होने का शरह बख्शा है गुज्तः हमारे इस वास दरस और बयान में ये बात बयान की गई थी कि दुनिया में दो किस्म के लोग हैं नंबर एक इबादुर रहमान नंबर दो इबादुर रहमान वो हैं जो रहमान की बंदगी करते हैं रहमान की इतात करते हैं रहमान की मान कर चलते हैं शैतान वो हैं जो शैतान की बंदगी करते हैं शैतान की मान के चलते हैं शैतान को बड़ा समझते हैं हमने दुनिया में इबादर रहमान बन के जीना है इबादलैतान बन के नहीं जीना अल्लाह ताला तरन करीम में फ़रमाते अल्हदल्बिलामीन और रहमां मालिक यौम्द्दीन अल्लाह ताला ने मालिक यौम्दीन वाली सिफ्त बाद में बयान फरमाई है और रमान और रहीम की सफ़त पहले बयान फरमाई है हमने मालिक योम दीन के पास जाना है तो रहमान का बंदा बन के जाना है दुनिया में रहना है तो रहमान का बंदा बन के रहना है अल्लाह बन का बंदा बन के रहना है अल्लाह की बंदगी करके जीना है अल्लाह को राज़ी करके जीना है इबादोर रहमान की सिफात कौन कौन सी हैं अल्लाह पाक ने ख़ुद इन सिफात को बयान फरमाया रहमान के बंदों में सफते क्या होनी चाहिए रहमान ख़ुद बता रहे हैं एक ये है कि मैं कहूँ कोई और कहे ये बात अलग है रहमान ख़ुद फरमा रहे हैं कि मेरे बंदों की सिफतें क्या हैं क़ुरान करीम सूरतफ़ुरक़ान आय नंबर त्रेसठ वायबादुररहान लज़ीन यमशून आलद हौना ये पहली सिफत बयान की है रहमान के बंदे वो हैं जब ज़मीन पर चलते हैं अकड़ते नहीं हैं तकबुर नहीं करते शीखियाँ नहीं मारते तोज़ों के साथ जीते हैं पस्ती के साथ चलते हैं अल्लाह अकबर। और दूसरी सिफ्त बयान फरमाई जा कालू सलामा। जब इनसे जाहल ज़िद्दी ऐनादी लोग बात करें तो ये उनसे झगड़ते नहीं हैं बासो मबासा नहीं करते उनसे टकराते नहीं हैं बस कहते हैं सलामा 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 का मतलब मैं दलाइल से आगे पेश करूँगा कुरान करीम ने इस लफ्स को कहाँ इस्तेमाल फरमाया सलामा का ख़ुलासा ये है कि जब उनसे कोई ऐसा शख्स गुफ्तू करे जो ज़िद्दी हो जो आयनाती हो बोगजुर कीने वाला हो झगड़ा करे फसाद करे फजूल बैस करे तो ये लोग कहते हैं भाई सलामती हो सलामती हो अल्लाह ताला मुझे तुम्हारे शर से बचाए तुम्हें हमारे शर से बचाए सलामती हो सलामती क्या के अलग थलग हो जाते हैं अल्लाह ताला हमें आपसे महफूज रखे सलामती कहकर अलग हो जाते हैं कुरान करीम में ये लफ्ज़ अल्लाह पाक ने कई जगह पर इस्तेमाल फ़रमाया है ये बात अच्छी तरह से नशीन फरमा लें यहाँ मैं क़ुरान करीम की आयत के मुताबिक दो तीन बातें अर्ज़ करूँगा पहली बात ही समझें वाइज़ा इज़ा ख़ा तबाह फ़ेल है और अलजाह इसका फ़ाइल है यानी अल्लाह ताला ये फ़रमा रहे हैं कि रहमान वो नहीं जो जो हला से मुबासे करते हैं और यूं करते हैं ना फरमाए जो हला इन से करते हैं जो हला इन से फटा डालते हैं ज़िद्दी लोग इनसे मुबासा करते हैं यानी ये मुबासे में पहल नहीं करते पहल वो करते हैं पहल उनके तरफ से होती है इनकी तरफ से नहीं होती आगाज़ वो करते हैं भाई ज़ाता जाहिलून और अलजाहलून हमारे आम तौर पर माशरे में जाहल कहा जाता है उस शख़्स को जिसके पास न हो क़ुर करीम पर अगर ग़ौर करें अपने काबिरीन की इबारत पर ग़ौर करें तो यूँ मालूम होता है कि जहालत सिर्फ़ बेलमी का नाम नहीं है बल्कि इलम न हो उसको भी जहालत कहते हैं के मुताबिक अमल न हो उसको भी जहालत कहते हैं कुरान करीम अल्लाह इरशाद फरमाते हैं इन मत तोबतः लजिन यामलो नसु अब जहालतिन सबु न मिन करीब अल्लाह तौबा उनकी क़बूल करते हैं कि जो लोग गुनाह करते हैं जहालत की वजह से अब देखिए लफसार अभी जहालत बदअमली कर लेते हैं फिर बाद में तोबा कर लेते हैं इससे मुराद कौन है यहाँ आ कबीर में माँ फ़खरुद्दीन राजी ररमाते कला अबलिया रम्ल त अल तो साहब महमदिन सल्ला हाजिल आया अबूल आलिया कहते हैं मैंने सहाब कराम से इस आयत की तफसीर के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया कुल्लुमन फ हो जाह हर वो शख्स जो अल्लाह की नाफ़रमानी करता है वह जाहल है हर वो शख्स जो अल्लाह की नाफरमानी करता है वो जाहिल है इसी तरह से क़ादर रम फ़रमाते अजमा असहाब महमदिन सल्ला व्लासा रब्बोफ़ी जलतिन सहब कराम के इस बात पर इतफ़ाक़ है हर वो शख़्स जो अल्लाह की नाफ़रमानी करे वो जाहल है और तफसर कबीर में मामराजी रहमोल फ़रमाते कला मुजाहिद मन आमिलम बिन शेखन ओ शाह बिन फ़ो बि जहालिन हर वो शख्स जो अल्लाह की नाफरमानी करे जवान हो या बूढ़ा वो जहालत के अंदर है मन आसा रब्बहु फ़ो जहल हत्या मासियती जो शख्स भी अल्लाह की नाफरमानी करता है जब तक उस नाफ़रमानी को छोड़ नहीं देता वो जाहल ही है इमाम से हाक रम्ह है फरमाते हैं लेसम इन जहालत ही अल्लाह आलमला हरामा वला के मन जहालत ही है न दखलफ़ी जहालत सिर्फ़ ये नहीं है कि कोई शख्स हलाल और हराम को जानता नहीं ये भी जहालत है कि कोई शख्स हलाल और हराम को जानने के बावजूद हलाल हराम की तमीज़ न करे और हराम के अंदर मुबतला हो जाए इन इबारात का ख़ुलासा क्या है कि जहालत सिर्फ़ कम इलमी का नाम नहीं है जहालत सिर्फ़ बेलमी का नाम नहीं है बल्कि जहालत बेलमी के साथ साथ बेअमली का भी नाम है जिस तरह बेल को जाहिल कहते हैं इसी तरह बेअमल को भी जाहिल कहते हैं तो यहाँ क़ुरान करीम ये बात समझा रहा है और यहाँ जाहिल कहेंगे ज़िद्दी को ये नादी को देखें अबू जाहल इसका नाम क्या था आमर और इसकी कुनीत क्या थी हिकम जब इस्लाम से टकराया तो इसकी कुनीत मशहूर होगी अबुल अबूल अबूजाहहल यानि कहाँ हकम हमतों वाला दाना शख्स और ज़िद्द औरनात पर आया तो अबू जाहल जहालत वाला नदान शख़्स जिस शख्स ने रसूल सल्लम की जीारत की हो रसूल्ला सल्लम के मुज़ात को देखो हूँ आप मुबारक अखलाक को देखे हों, आप, आप की सीरत को आंखों से देखा हो और फिर भी कबूल न करे और टकरा जाए उससे बड़ा जाहिल कौन है उससे बड़ा ज़िद्दी कौन है उससे बड़ा इनादी कौन है सिर्फ ये नहीं कि दावत कबूल नहीं कर रहा बल्कि बदबक टकरा रहा है आपकी जान का दुश्मन है आपके वजूद को ख़त्म करना चाह रहा है लेकिन उसके कहने से क्या होगा उसके चाहने से क्या होगा उसके चाहे से क्या होगा कुछ भी नहीं होता वही होता है जो मंजूर खुदा होता है कहते मुद्दाई लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है अबू जाल के कहने से क्या होगा जब अल्लाह का फ़ैसला है कि मैंने रसूल वसलम के दिन को गालिब करना है अबू जाल एंड कंपनी कैसे उसको मगलूब कर सकती है मैं अर्जी कर रहा था कि यहाँ जाहल से मुराद ज़िद्दी और इनादी किस्म के लोग और जब इनसे कोई जाहल गुफ्तगु करे जाहल इनसे बहस करे मुबास करे ये सलाम सलामुन कह के अपनी जान छुड़ाते हैं अलग हो जाते हैं मैंने यहाँ कहा कि सलामुन का मतलब क्या है सलामुन का माना यह है कि फजूल बात को आगे नहीं बढ़ाना लड़ाई और झगड़ा नहीं करना बस सलामती हो भाई सलामती हो बस आप हमारी जान छोड़ें हम आपसे अलग हैं कुरान करीम को अगर देखें तो अल्लाह पाक ने इस लफ्ज़ को कई जगह पर इस्तेमाल फरमाया है सूरह मरियम आयत नंबर सैतलिस इब्राहीम के वालिद ने गुफ्तगू की वो बुत परस्त ही नहीं थे बुतों को बनाने वाले थे अकबर, बुतों को बनाने वाले थे और इबादत असनाम की दावत देते थे इब्राहिम स्ल बहुत समझाया जब नहीं माने तो आपने क्या फ़रमाया सलामिक सलामती हो मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ अलमान मैं छोड़ के जा रहा हूँ सुर कस आयद नंबर पचपन व एज़ आसम आ रजुआन वक़ालना आमाला वलकुम आमालकुम सब तगिल जाहल कुरान करीम कहता है जब हिम्तिन अहल्ला इनसे को लोग गुफ्तु करे एराज करते हैं अलग हो जाते हैं कहते हैं हमारे साथ हमारे अमाल तुम्हारे साथ तुम्हारे अमाल हमाली अपना रास्ता तुम्हारा अपना रास्ता सलामाम सलाम सलामती हो सुर जरुफ आयद नंबर नवासी फ़सफ हन हम वक़ुलसल फ़सोफ यालमुन आप इनसे दरगुजर करें आप इनसे मुंह फेर लें और इनके कह अच्छा जी सलाम सलाम और पता चल जाए कि इनको हक़ पे कौन था बातल पे कौन था तो मैंने ये आयत आपकी खिदमत पेश की बात को समझाने के लिए कि सलामती का मतलब क्या है यहाँ बात अच्छी तरह जे नशीन फरमा लें इसका मानना हरगज़ ये नहीं है कि जिसके पास आलम ना हो उससे गुफ्तगु ना की जाए कोई दलील दे तो उसका जवाब ना दिया जाए इसका माना हरगज़ ये नहीं जहाँ तक ताल्लुक गुफ्तु का है तो क़ुरान करीम ने उसका तरीका बयान फरमाया इदफ़ा बिल्ल या अहसन फ़ैज़ल्ल बेन बेन आदा व नली हमीम जब तुम्हारी गुफ्तगु हो जाए किसी मौजु पर किसी मौके पर अहसन तरीके से बात करो अखलास से करो मोहब्बत से करो नरम लहजे से करो नतीजा क्या निकलेगा कान नहु कानून हमीम तुम्हारे उसके दरमियान जो अदावत है अल्लाह ख़त्म फरमा देंगे और तुम्हें यूँ लगेगा कि हमारा दोस्त है मोहब्बत है नफरत है प्यार से बदल जाएंगी गुफ्तु दलील से करना अलग बात है झगड़ना अलग बात है अगर का मैलम मसला पूछे उसको बताओ दलील मांगे उसको दो एतराज करे उसको जवाब दो लेकिन झगड़ा ना करो फसाद ना मचाओ फड्ढा ना डालो इन बातों से ख़ुद को बचाओ और महफूज रखो ये अल्लाह ताला ने सिफ्त बयान फ़रमाई है किन की इबादुर रहमान की अल्लाह ताला मुझे और आपका इबादर में शामिल फ़रमाए अल्लाह में अपना बंदा बना ले फजूल झगड़ों से बचा ले फजूल गुफ्तगुओ से बचा ले रसूल अक्रम सद फ़रमाते हैं मिनन इस्लामर तरकहू माला यानी इंसान के इस्लाम की खूबी ये है कि ला यानी और फजूल चीज़ों को छोड़ दे ला यानी और फजूल चीज़ों को छोड़ दे बस अलग थलग हो जाए ऐसी जगहों से तो इबादल रहमान की दूसरी सिफ्त अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फ़रमाई वायज़ा ख़ा तब सलामा कि जब जाहिल, ज़िद्दी लोग इनसे बासुमबास करें तो ये सलामुन कहकर अलग हो जाते हैं जगड़ते नहीं हैं फडा नहीं डालते उनके लहजे को बर्दाश्त करते हैं अल्लाह मुझे भी और आपको भी इबादल रहमान में शामिल फ़रमाए अपने बंदू में शामिल फ़रमाए इबादरहमान की सिफात हमारे अंदर पैदा फरमा दे अल्लाह ताला मुझे और आपका अमल की तोफीकता फ़रमाए हर माह की पहली इतवार ये हमारी मुख्तसर सी तरबीती असलाही नशस्त है इसके बुनियादी मकासद में से दो मकसद हैं नंबर एक हम आमाल पर गुफ्तु करें और गुफ्तु करने वाला भी अमल की नियत करे गुफ्तु सुनने वाला भी अमल की नियत करे मैं भी अमल की नियत करूं आप भी अमल की नियत करें जो मैंने बात की अगर मेरे अंदर कमी और कोताही है तो मैं उसको दूर करूं आप देखें कमी और कोताही है तो आप उसको दूर फरमाएँ एक तो हम इस नीयत के साथ बैठा करें सुना करें कि हमें इसे अमली कितना फ़ायदा हुआ है सिर्फ अलूम में इजाफा नहीं अमली कितना फ़ायदा हुआ है हमारे हमल में कितना फ़र्क पड़ा है हमारे अंदर तब्दीली कितनी आई है इस चीज़ का ख़्याल फ़रमाएं दूसरा मकसद अल्लाह का ज़िक्र कर लें अल्लाह अल्लाह कर लें अल्लाह का नाम लें अल्लाह के नाम पर जुड़ जाएँ अल्लाह के नाम पे इकट्ठे हो जाएँ हमने तो पूरी ज़िंदगी ज़िक्र में गुजारनी है हर रोज़ ज़िक्र करना है खलबत में करना है अलग करना है बस इसको सीख लिया करें महीने में एक बार अल्लाह अल्लाह करते हैं तरगीब हो जाती है शौक़ हो जाता है याद दहानी हो जाती है रगबत पैदा हो जाती है इसका बहुत ज़्यादा ख्याल फरमाएँ हमारे यहाँ कुछ थे मेहमान थे मेरे पास तशीर फरमा थे गुज्त कल उनका सफ़र था तो वो यहाँ इस्तंबूल से चले और दुबई फिर दुबई से आगे जाना था एयरपोर्ट पर उतरे सुबह उनका मैंने मैसेज देखा मुझे बहुत खुशी हुई कि अलहमदिल्ला हम बर वक्त एयरपोर्ट पर उतर गए हैं फ़जर की नमाज़ पढ़ ली है अब जिक्र करने लगे हैं और कहा जी हमारी ख्वाहिश है कि जो फजर के बाद उस्ता जी आप खुद जिक्र करते हैं ज़रा मुझे भिजवा दें ताकि हम उसी तरह करें मुझे बहुत खुशी है मैंने भिजवा दिया फिर उनका जुमला था कि अलहमदिल्ला हमारी जो ना है ना रूह ताज़ा हो गई है रूह एक किस्म की ज़िंदा हो बहुत खुशी ये कारगुजारी सुनाने का मकसद क्या है कि जब आदमी ज़िक्र को सुनता है खलूस से सुनता है दिल से सुनता है अल्लाह अकबर फिर आदमी के अंदर एक तरगीब पैदा होती है अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाती है अल्लाह के नाम पे लजत आ जाती है अल्लाह मुझे और आप सबका अपने नाम मुबारक की लजत हलावत और मिठास अता फरमाए अब हम इन श्ला मुख्तर सा जिक्र कर लेते हैं अल्लाह तला हम सब को जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए ज़ाकिरीन में शामिल फ़रमाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ल्ला मोहम्मद सल व तसहाबिल वबारक वा वसलम

لا اله الا الله 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 ما اله الا الله لا 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 إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله

ഇല്ല ഇല്ലെന്ന 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 ഇല്ലല്ല ഇല്ലെന്ന 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 In Illallah, <laughs> Illallah, in Illallah, 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 ഇല്ല ഇല്ലെന്ന ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ലന്ന ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ലെന്ന ഇല്ല ഇല്ലന്ന ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ലന്ന ഇല്ല ഇല്ലന്ന

إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله،, الا الله إلا الله الا الله إلا الله إلا الله لا اله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه مبارك وسلم الله جل جلاله وتعالى شأنه عم نوال، الله الله അല്ലാഹു 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 അന്ന അല്ലാഹു അന്ന അല്ലാഹു 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 അന്ന Allah Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah, Allahu

അല്ലാഹു അന്ന അല്ലാഹു അന്നു അല്ലാഹു അല്ല അല്ലാഹു അന്ന അല്ല അന്ന അല്ലാഹു അന്ന അല്ലാഹു അന്ന الله, <متدخل> <alive alla> <متدخل> <لهم> الله الله <متدخل> الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله

Allah, 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 Allah,

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وأعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

हर इस कमवा से अंतय अल्लामन्नी असल नफ़सम्बिक मतम तमिनबिल्क व तरजा बज़ाक व तखनब अतायक एकरीम हमारी इस मजलिस को एल्लास गुफ्तगु को कबूल फ़रमा सुनना और बैठना कबूल फ़रमा एल्ल करीम अमल की तोीक अरमा अपनी रजा और रजा वाल अमाल अता फ़रमा अपनी नाराज़गी और नाराज़गी वाले अमाल से हमारी हिफाजत फरमा या हमारे आलम में अमल में रिस्क में औलाद में बरक़तें अता फरमा याक्री माकिरीन के मकर से बचा शाय अल्लाह हासिदीन की हसद से बचा नाज़रीन की नज़र बद से बचा सान के सेहर और जादू से बचा या हमारी सब की हिफाजत फरमा अल्लाह खात्मा ईमान पर फरमा आखरत की तैयारी की तफ़ी अताफ़रमा बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिलाफ़रमा अल्लाह जो दुआ मांगी अपने कर्म से अपने हबीब अलैहि वसल्लम के सद के कबूल फरमा व सल् तसूली खैर खल के ही मोहम्मद आलि वसाब अजमाइन आमीन बरहत क़या अरहमर अल्लमकम वरम वबरकू